आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज आम आदमी पार्टी अपने अहमदाबाद के इस कार्यालय से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सबको यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करती है। आज एक बहुत बड़ी हस्ती आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने जा रही है और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के एक सूरत ईस्ट के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किडनैप कर लिया है, उनका अपहरण कर लिया है। इन दोनों विषयों पर आज हम विस्तार से आपके सामने बात रखेंगे। सबसे पहले रेशमा पटेल जी, जो एनसीपी में स्टेट महिला विंग की अध्यक्ष रहीं, जो पाटीदार आंदोलन हुआ उसकी जो आंदोलन समिति थी उसकी एक प्रमुख चेहरा और शायद इकलौती महिला उस समिति की सदस्य थी, एक ऐसा चेहरा जिन्होंने गुजरात में बहुत लंबे समय से सामाजिक कार्य करे, लोगों से जुड़ के जमीन स्तर की, ग्राउंड लेवल की सामाजिक कार्यों से लेकर राजनीति करी, ग्रास रूट लेवल पे लोगों से जुड़ी हुई नेता आज आम आदमी पार्टी के इस परिवार में शामिल होने जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में शामिल होने जा रही हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि गुजरात में जिस हिसाब से महिला शक्ति का सपोर्ट और आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और बड़ी बड़ी कद्दावर महिला नेता जो अपने दशकों का सामाजिक और राजनैतिक अनुभव और सामाजिक और राजनैतिक कमाई लेकर आम आदमी पार्टी में आकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर गुजरात के विकास के लिए और गुजरात को बुनियादी सुविधाएं देकर एक खुशहाल गुजरात बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने जा रही हैं। मैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की ओर से और पूरी पार्टी की ओर से रेशमा पटेल जी का आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस परिवार का हिस्सा बनने पर उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये मेरा विश्वास है कि रेशमा जी जैसी शख्सियत से आम आदमी पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा और ख़ास करके आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई बहुत मजबूत होगी रेशमा पटेल जी की एंट्री से आम आदमी पार्टी में। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बार औपचारिक तौर पे आप सबके कैमरे के सामने उनको परिवार का हिस्सा बनाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत 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 बहुत। इससे पहले कि मैं मंच रेशमा जी को दूं, एक महत्वपूर्ण घटना कल हुई है जिसके बारे में मैं आप सबसे सारी जानकारी साझा करना चाहता हूं। हमारे सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से, सूरत ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं कंचन जारीवाला। कंचन जारीवाला जी को कल सुबह से बीजेपी ने किडनैप कर लिया। सुबह से वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की कस्टडी में है। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है, इतना घबरा गई है, इतने खौफ में है कि अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। ये किडनैपिंग है, अपहरण है और सरेआम दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। कल सुबह से उन्हें और उनके परिवार पे लोकल बीजेपी के गुंडों ने दबाव बनाया कि आप अपना नामांकन रद्द कराएं।
कल स्क्रूटनी का आखिरी 20 ना हो, गड़बड़ी ना हो, ये स्क्रूटनी वाले दिन इलेक्शन कमीशन देखता है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब खुद चेक करते हैं। तो पहले हमारे कैंडिडेट पे दबाव बनाया गया कंचन जारीवाला जी पे कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाएं और अपना नामांकन रद्द कराएं। कंचन जारीवाला साहब और उनके परिवार ने जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की बात नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी के बदमाश गुंडे उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर खुद आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर गए, वहां दफ्तर पे दबाव बनाया आरओ पे कि उनका नामांकन वापस लिया जाए। यहां तक कि कंचन जारीवाला साहब और उनके जितने प्रस्तावक थे उन पर दबाव बनाया गया कि आप बोलो कि हमने दस्तावेज नहीं दिए, हमने फॉर्म पे हस्ताक्षर नहीं करा, हम ये नामांकन रद्द कराना चाहते हैं, हर प्रकार का दबाव बनाया। जब कानूनी कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी हो गई थी, जब कागज यानी कि नॉमिनेशन के पेपर्स और कैंडिडेसी रिजेक्ट करने का कोई ग्राउंड नहीं था और स्क्रूटनी में सारे कागज पास हो गए, तो भाजपा के गुंडे हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी कंचन जारीवाला जी को वहां से अपनी कस्टडी में ही किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले गए। दोपहर 1 बजे से कंचन जारीवाला साहब का फोन बंद है, उनकी लोकेशन किसी को नहीं पता और बीजेपी के गुंडों ने हमारे कैंडिडेट को किडनैप कर लिया। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अब विड्रॉल वाले दिन यानी कि आज और कल अपना नामांकन वापस ले लें। उन पर हर प्रकार का मानसिक, शारीरिक, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है और ये सरेआम दिन दहाड़े जब भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार इलेक्शंस, चुनाव चल रहा हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो, सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हो, मतदाता अपना मन बना रहा हो किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को वोट नहीं देना है, उस बीच भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर गए, इतना घबरा गए हैं कि आज उन्होंने हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी को अगवा कर लिया, उनका अपहरण कर लिया है। अगर ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करेगी। हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा इस चुनाव को पूरी तरीके से करवाने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, उन्हें सूचना दे चुके हैं, लिखित में कंप्लेंट जा रही है। हम स्थानीय प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी इस अपहरण की सारी जानकारी दे रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सख्त और जल्द कार्रवाई होगी। किसी भी प्रत्याशी पर मानसिक, शारीरिक दबाव नामांकन वापस लेने का या नामांकन रद्द कराने का नहीं होना चाहिए और बीजेपी के काले कारनामे आप सबके सामने हैं। ये गुंडागर्दी का परिचय बीजेपी ने, जंगल राज का परिचय बीजेपी ने आज गुजरात की जनता के सामने रखा है। चड़ा जी, ये एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है या कहीं और पे भी इस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है? आज जो मामला हमारे सामने आया है वो सूरत ईस्ट विधानसभा क्षेत्र, सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र का है, जिसमें हमारे प्रत्याशी का नाम कंचन जारीवाला है। और केवल कंचन जारीवाला साहब पर ही नहीं, उनके पूरे परिवार पर, उनके भाई भाभी जो उनके प्रस्तावक थे उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी इलेक्शन कमीशन में जाकर एफिडेविट दें कि हमने तो कोई प्रस्तावक बनकर हस्ताक्षर नहीं करे, इनका नामांकन रद्द किया जाए।
उनका घर दोपहर बाद से बंद है, घर पे मोटा ताला लगा हुआ, उनके जो ठिकाने हैं, दफ्तर है जहां वो मिलते हैं लोगों से, जहां बैठते हैं, वो सारी जगहों से कंचन जारीवाला साहब लापता हैं, और बीजेपी के गुंडों ने उन्हें किसी अनडिस्क्लोज्ड अज्ञात लोकेशन पे रखा हुआ है। वो इस समय बीजेपी की कस्टडी में है। ये अपहरण है, ये किडनैपिंग है, और सरेआम बीच चुनाव में लोकतंत्र की हत्या। इस विषय पे आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, पुलिस, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन, स्थानीय प्रशासन, सबको कंप्लेंट जा चुकी है और जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और इलेक्शन कमीशन इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। मैं अब मंच रेशमा जी को दूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ये फैसला लेती है कि कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, और रेशमा जी उस कद्दावर नेता का नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जिसके आने से खाली एक सीट पर नहीं या खाली एक जिले में नहीं, पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में रेशमा जी की क्या भूमिका रहेगी, चुनाव के रण के मैदान में कौन सी सीट पर उनकी दावेदारी हो सकती है, कौन सी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी उन्हें दे सकती है, इन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो चुनाव का रंग चढ़ना शुरू हुआ है, आज रेशमा जी हमारे परिवार में। कोई आप चिंता ना करें, हमारी कमेटी इमीडिएटली मिलके फैसला ले लेगी और सबसे पहले हम आपको बताएंगे। को क्या फैसला लेगी ये मेरे लिए आज अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना उचित नहीं होगा। एक पार्टी एक कायदे कानून से, एक प्रोसीजर से चलती है। मैं मंच रेशमा जी को सौंपूंगा और उनसे यही विनती करूंगा कि वो बताएं कि क्या आम आदमी पार्टी में उन्हें ऐसा दिखा जो आज उन्होंने अपने सारों सालों का एक बंधन जो था, एक सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्य की जो पूंजी थी वो सारी लेकर वो आम आदमी पार्टी में आज शामिल हो रही हैं। ओवर टू यू रेशमा जी। સૌથી પહેલા માનનીય શ્રી કેજરીવાલજી અને આમ આદમી પાર્ટીના દરેક કાર્યકર્તાઓને હું રેશમા પટેલ આદર અર્પણ કરું છું, અને સાથે સાથે મંચ ઉપર બિરાજેલ માનનીય શ્રી રાઘવજીભાઈ સાહેબ, કિશોરભાઈ, જ્વેલબેન, ગૌરીબેન અને તમામ આમ આદમી કાર્યકર્તાઓ અને હોદ્દેદારોને હું ધન્યવાદ અર્પણ કરું છું। આમ આદમી પાર્ટી આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એમના નામમાં જ એટલા ગુણ છે કે એક સામાન્ય વ્યક્તિઓની પીડા સમજે એવી પાર્ટી છે। આજે મારા કાર્યથી આપ સૌ વાકેફ છો, તમને બધાને ખબર છે કે મેં ગુજરાતમાં ગરીબ લોકોના, શોષિત લોકોના, પીડિત લોકોના અવાજ ઉઠાવવા માટે હંમેશા મેં મારી શક્તિ અર્પણ કરી છે। હું એવું ચાહું છું કે મારી શક્તિ અને સમય એવી પાર્ટી સાથે જોડાય કે જ્યાં ગુજરાતની જનતાનું ભવિષ્ય છે। એક સામાન્ય ગુજરાતની જનતાની માંગ શું હોય છે? રોટી, કપડાં અને મકાન, અને આને સર્જન કરવા માટે એક શિક્ષણની જરૂર હોય છે, એક આરોગ્યની જરૂર હોય છે અને સારી વ્યવસ્થાની જરૂર હોય છે, જે મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આમ આદમી પાર્ટી જ આ વિશ્વાસ પૂરો કરી શકશે। એટલા માટે અને માનનીય કેજરીવાલજી સાહેબ જે એક જમીની તોર પરથી એક આંદોલનમાંથી ઊભા થયેલા એક એવા નેતા છે કે જે એક આંદોલનકારીની ભાવનાને સમજી શકે છે અને એક આમ જનતાને પણ સમજી શકે છે, એટલા માટે આજે હું આમ આદમી પાર્ટીના મંચ ઉપર બિરાજમાન છું। મારે કોઈના વિશે કોઈ બીજી કોઈ ટિપ્પણી નથી કરવી, પરંતુ એટલું ચોક્કસ કહીશ કે હું બહુ જ ખુશ છું અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે માનનીય કેજરીવાલજીના નેતૃત્વમાં અને આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓનું જે જુનૂન છે, જે જોશ છે, એની સાથે હું ચોક્કસ રીતે મારી શક્તિને વધારી શકીશ અને લોકો માટે કાર્ય કરી શકીશ।
અહીંયા સ્ટાર પ્રચારક રહેવું એના કરતાં પણ હું એવું કહીશ કે પાર્ટી મને જે પણ જવાબદારી આપશે એ મારે નિભાવવાની છે. અહીંયા હોદ્દા કરતાં હું આમ આદમી પાર્ટીની કાર્યકર્તા છું એ મારા માટે ખૂબ જ સૌભાગ્યની વાત છે. પાર્ટી જે પણ કંઈ જવાબદારી આપશે હું ચોક્કસ નિભાવીશ. પાર્ટીનો આદેશ સર્વમાન્ય. ચૂંટણી લડવાની ઈચ્છા રાખવી એ સ્વાભાવિક છે કે કોઈ પણ રાજકીય દલમાં હોય કે કોઈ પણ રાજકીય નેતા હોય એની હોય જ છે. હું એવું ક્યારેય નથી ભાગતી કે ચૂંટણી ના લડવી જોઈએ, પરંતુ યોગ્ય સમીકરણની જે પણ કંઈ ચર્ચા હોય છે પાર્ટી નિર્ણય કરતી હોય છે. પાર્ટી મને જે પણ નિર્ણય સંભળાવશે એ મારા માટે સ્વાગત, હું એમનું સ્વાગત કરીશ અને મારી પૂરેપૂરી શક્તિનો સમયનો યોગદાન હું પાર્ટી માટે કરીશ અને પાર્ટી થ્રુ જે પણ કંઈ ગુજરાતની જનતા માટે કાર્ય કરી શકીએ અને મજબૂતાઈથી તાનાશાહી સરકાર સામે લડી શકીએ અને એ લોકોની જે ગુંડાગર્દી છે, જે તાનાશાહી છે અને જે સામદામ દંડની રાજનીતિ છે એની સામે અમે દબંગ બનીને લડીશું. નહીં, વાતચીત તો ચાલતી હોય છે. પ્રામાણિક પાર્ટી હોય છે એમાં સારા લીડરોનો અવકાશ હંમેશા હોય છે, પરંતુ ઘણી વખત નિર્ણય લેવામાં પ્લસ માઇનસ થતું હોય છે, સમય જતો હોય છે. પરંતુ હું એવું માનું છું કે શિક્ષણ અને આરોગ્યની વાત આમ આદમી પાર્ટી જે કરી રહી છે એ વાસ્તવિકતામાં જે પ્રજા પીડાઈ રહી છે, જે મેં તમને પહેલાં જ કહ્યું કે એક સામાન્ય જનતાની સુખાકારી કેમાં હોય છે, એને સારું શિક્ષણ જોઈએ છે. સારું શિક્ષણ હશે તો રોટી કપડાં મકાન બનાવી શકશે અને એ લોકોને સારું આરોગ્ય જોઈએ છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું હશે તો તમે બે પૈસા કમાઈ શકશો. તો આમ આદમી પાર્ટી જે સામાન્ય જનતાના બેઝિક મુદ્દા જે આજ પણ ગુજરાતમાં ખંડિત થયેલા છે, આજ પણ માત્ર ખોખલા વિકાસની વાતો થાય છે, લટકતા વિકાસની વાતો થાય છે, આપણે જોયું છે ઘણું બધું ગુજરાતમાં એવું બની રહ્યું છે, એની સામે એક જ પાર્ટી છે, એ છે આમ આદમી પાર્ટી, જે આમ જનતાની પાર્ટી છે. એટલા માટે શિક્ષણના મુદ્દા હોય, આરોગ્યના મુદ્દા હોય કે સુરક્ષાના મુદ્દા હોય, દરેક મુદ્દાઓને લઈને આમ આદમી પાર્ટી સત્યની અને રાજનીતિ કરે છે. રાજકારણ નહીં, અમે રાજનીતિ કરવા માટે આવ્યા છીએ. ધન્યવાદ. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ જાણકારી આપ સબકો ઓર દેની થી કે અભી ઇસ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કે ઇમિડિયેટલી બાદ આમ આદમી પાર્ટી કે રાજ્યસભા સાંસદ સંજય સિંહજી ભી इसी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करेंगे, एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे चर्चा करेंगे. तो बस थोड़े से ही इंतज़ार के बाद हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय संजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद, आप सबसे अपनी बात रखेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बैठे रहे. एक मिनट रुक जाओ, फोटो भी करवा लेते हैं. आ जाओ सारे.